स्वागत है आपका, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। पाकिस्तान में सरकार सड़क पर है, विपक्ष सड़क पर है, सेना भी सड़क पर है, सुप्रीम कोर्ट भी सड़क पर है, पूरा मुल्क ही मानो सड़क पर आ गया है। हर फैसला सड़क पर हो रहा है। इस वक्त सेना प्रमुख मुनीर और पीएम शहबाज की एक बैठक चल रही है। लगता है इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई का प्लान बन चुका है। इमरान को डर है कि उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी पार्टी को चुनाव से रोक दिया जाएगा, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर पाकिस्तान में हर संस्था की साख सड़क पर आ गई है। जो सड़क पर ताकतवर है उसकी बात कानून है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। सेना और इमरान में जो आजमाइश हो रही है, अब तक इमरान जेल और बेल के खेल में फंसे थे, अब उनकी पत्नी बुशरा बीवी भी अदालतों के चक्कर काट रही हैं। आज ये लगभग तय था कि बुशरा बीवी को हथकड़ियां लग जाएंगी, लेकिन लास्ट मिनट में फिर ट्विस्ट आ गया और अदालत ने 23 मई तक जमानत दे दी। पाकिस्तान में अदालतें खुद कटघरे में खड़ी हैं। अदालतों के खिलाफ गवाहियां दी जा रही हैं, अदालतों के खिलाफ कानून पास हो रहे हैं, जजों की जांच कमेटियां बनाई जा रही हैं। आज पाकिस्तान में पूरा विपक्ष बंद फाटकों को कूदकर सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में जो है वो घुस रहा है। सरकार की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सड़क सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला सुना रही है। इमरान शहबाज सेना की जंग में पाकिस्तान कितने दिन बचेगा, आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये आपको पहले इमरान की रिहाई के लिए जला पाकिस्तान, अब रिहाई के विरोध में सड़कों पर हंगामा। इमरान बच भी जाएं, बुशरा को कौन बचाएगा? लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये आपको। पाकिस्तान मुल्क नहीं, बवाल और हंगामे का दूसरा नाम है। पहले इमरान के लिए पाकिस्तान को जला दिया गया, अब इमरान के खिलाफ पाकिस्तान जल रहा है। इमरान खुद को बचाने में इतने मशगूल हो गए, क्या बुशरा को बचाना मुश्किल है? पाकिस्तान इन्हीं सियासी दांव पेच में एक बार फिर दांव पर लगा है। इस्लामाबाद से लाहौर तक सिर्फ बवाल है, हंगामा है। सरकार में शामिल फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के कार्यकर्ता इस्लामाबाद के रेड जोन में घुस गए। जवाब में इमरान ने भी अपने समर्थकों को लाहौर के समाज पार्क में बुला लिया। अब दोनों के समर्थक कुछ भी कर गुजरने को बेताब है, पाकिस्तान को जला देने पर आमादा हैं। इमरान ने आज सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस ट्वीट में इमरान ने प्लान लंदन का भी जिक्र किया। इमरान ने अपने ट्वीट में 5 बड़े आरोप लगाए हैं। उन्हें देशद्रोह केस में जेल के अंदर डाला जाएगा। 10 साल तक उन्हें जेल में रखने की साजिश है। उनकी पत्नी बुशरा बेगम को भी जेल में डाला जाएगा। उनकी तहरीक इंसाफ पार्टी पर बैन लगाया जाएगा। पार्टी के बाकी बड़े नेताओं की धरपकड़ भी तेज हो जाएगी। I have always condemned all violence. They are on a plan. Plan is they are petrified of elections. But they are petrified that they will be wiped out. So they have decided that the only way they'll allow elections is if I am inside jail or killed. There are two attempts on me. And most of my senior leadership should be jailed too. This is what they've done. I'm mentally prepared to go into jail. As I said before leaving for Islamabad, I said I'm prepared. इमरान को डर है कि अगर वो बच भी गए तो उनकी बीवी बुशरा बेगम नहीं बचेंगी। इमरान से इंतकाम बुशरा बीवी के जरिए ही लिया जाएगा। मेरी बीवी को पकड़ के मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे। बाकी बेटियां और बीवियां और बहनें जिनको पकड़ा गया था, उनकी कोई, उनके रिश्तों का कोई इज्जत नहीं थी, कोई पास नहीं था, वो ह्यूमिलिएट नहीं हुए थे? अब बड़ी याद आई है तुम्हें, जिस वक्त बुशरा बीबी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए पकड़ रहे हो। पाकिस्तानी संसद में हुई इन बातों से साफ है कि बुशरा बेगम किसी भी वक्त जेल में डाली जा सकती हैं। इमरान भले ही खुद को बचा ले, लेकिन बुशरा बीबी को शिकंजे से निकाल पाने में वो बेबस हैं। सेना ने इमरान को निपटाने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है। सेना कानून के तहत इमरान पर वो धाराएं लगाई गई हैं जो पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव पर लगाई गई थी। इमरान खान को मिलेगी मौत की सजा।
सेना ने सबसे खतरनाक कानून के तहत दर्ज किया है केस। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और 60 के तहत केस दर्ज। दोषी साबित हुए तो मौत या फिर उम्र कैद। कुलभूषण जाधव पर भी इसके तहत ही दर्ज था केस। ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफेद कपड़ों में, यही लोग मैंने जब मैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था वहाँ इसी तरह के लोग थे, उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। एक और प्लान इन्होंने किया था मुझे यहाँ कत्ल करने का, तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहाँ आएंगे और यहाँ से गोली चलाएंगे ताकि हमारे परियो जो हुआ। अब ये जो गोली चली है, ये गोली किसने, यानी कौन जिम्मेदार है इसका, क्योंकि हमारे में तो किसी ने गोली नहीं चलाई। इमरान हर हाल में चुनाव चाहते हैं, विरोधी चुनाव को टालने में लगे हैं, समर्थकों को मोहरा बनाया जा रहा है और पहले से बर्बाद पाकिस्तान को तबाही के कगार पर धकेला जा रहा है। ऐसे में इमरान के लिए एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, बस देखना है इमरान का जो भी हश्र होगा उसकी कीमत पाकिस्तान कैसे चुकाता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। फखर यूसुफ अजई सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान हमारे साथ हैं, हैदर हयात खान भी डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, आपका बहुत स्वागत है। हैदर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो तस्वीरें हम लगातार पाकिस्तान की देख रहे हैं कि सब कुछ सड़कों पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का विरोध भी सड़क पर है, इमरान खान भी सरकार के खिलाफ विरोध सड़क पर कर रहे थे, संसद में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सीजीआई के खिलाफ जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा रहा है, फिलहाल पाकिस्तान में हो क्या रहा है ये आप पहले समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त नर्व्स की जंग है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बड़ी बड़ी ईगोस के साथ वो मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। हुकूमत में जितनी पार्टीज हैं ना, उनमें कोई कॉम्पिटेंस नजर आई ना उनके अंदर किसी तरह की कोई सीरियसनेस नजर आ रही है। जो वतीरा हुकूमत का होना चाहिए बिल्कुल उससे अपोजिट जो माइंड सेट है उससे गवर्नमेंट का नजर आ रहा है। सिमिलरली इमरान खान साहब जो अभी माजी करीब में इक्तदार में थे, जिनको पता है कि मुल्क किन मसाइल से घिरा हुआ है, वो भी अपनी सियासत को तूल देने के लिए, अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए मुल्की मसाइल को साइड पर रख के सिर्फ अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी जात का सोच रहे हैं। हो ये राय कि आम आदमी पिसर, आम आदमी परेशान है, आम आदमी का कोई परेशान हाल नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में सोच रही है, इदारे बुरी तरह उलझे हुए हैं मुल्की मामलात के अंदर, अदलिया जो है वो आम आदमी को इंसाफ देने की बजाय इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती जा रही है, रोज किसी ना किसी बड़े केस की वजह से बाकी मामला पेंडिंग पर चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान में ये हो रहा है कि आम आदमी की फिक्र जिनको करनी चाहिए वो लोग अपनी जात, अपनी सियासत और अपने लीडरशिप के लिए सिर्फ सोच रहे हैं, आम आदमी के बारे में ना मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है ना ऑपोजिशन। यानी देखिए, आपस में लड़ाई इमरान खान की है, शहबाज शरीफ की है, दोनों आमने सामने हैं, लेकिन सबके बीच अगर परेशानी किसी को हो रही है तो वो पाकिस्तानी आवाम को हो रही है। फखर साहब, क्या इसे इस तरीके से ही समझा जाए जैसा कि हैदर साहब समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात अब ऐसे हो गए हैं कि आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सियासतदान अब सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं और इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना हो, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करनी हो या कुछ भी करना हो, वो तमाम चीजें मुमकिन हो रही हैं अब पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये बात तो खैर अभी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस बात से अपने दूसरे पैनलिस्ट के कि मसला जो है वो आम आवाम का है, जो जनता है वो पिस रही है, वो इमरान खान साहब की पिछली हुकूमत हो, साढ़े तीन साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे या अब के एक साल या सवा साल हो गया इस हुकूमत को जो पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन इमरान खान साहब भी ना इस महंगाई की बात करते हैं जिससे एक आम आदमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ना उस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों हमारे यूथ के जो नौजवान है वो बेचारे बेरोजगार हैं और वो काम के पीछे फिर रहे हैं और मार्केट में भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर में हमें कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट दोनों की, दो हाथियों की लड़ाई है
उसमें जो नुकसान हो रहा है वो घास का हो रहा है, यानी अवाम का हो रहा है। बेशक आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की लड़ाई हो, पीडीएम और इमरान खान की लड़ाई हो, पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो, अदलिया यानी जुडिशरी और हुकूमत की लड़ाई हो, उसमें नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है, क्योंकि काम के ऊपर तो कोई फोकस ही नहीं है। मिनिस्टर्स पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से फ्री नहीं होते। इमरान खान साहब जब शाम को बैठते हैं तो वहां पे एक लंबी तकरीर झाड़ देते हैं, आर्मी चीफ को गालियां दे दी, पुराने आर्मी चीफ को गालियां दे दी, पीडीएम को दो गालियां दे दी। वो कहते हैं जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब कंप्लीट हो गई है क्योंकि अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। सर जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो आपने कौन से गोल खिलाए थे, अब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कौन से आप गोल खिला रहे हैं। इसके साथ साथ फिर जो इस वक्त की पीडीएम की जो बड़ी एक वीक गवर्नमेंट है, मैं ये कहूंगा 12 या 13 पार्टी इकट्ठी हुकूमत तो कर रही है लेकिन शायद ही इतनी वीक गवर्नमेंट पाकिस्तान में कभी आई हो जितनी की इस वक्त मौजूद है। मसला यह है कि इन सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि हाँ अवाम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो और लोगों के हालात या जिंदगी अच्छी हो, तो इसके लिए ये चीज करनी पड़ेगी। अदरवाइज कोई और सलूशन नहीं है। आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन नुकसान आम आदमी का होता रहेगा, नुकसान पाकिस्तान का होता रहेगा, मजाक पाकिस्तान का बनता रहेगा, पूरी दुनिया में किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई पर जी 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 पाकिस्तान का मजाक बनाने पर तमाम जो सियासतदान हैं वो फिलहाल आमदा हो गए हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कैसे लंबी लंबी गाड़ियों की कतार है, उसमें जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के गेट को तोड़कर अंदर दाखिल होने के लिए, यानी अपनी ही न्याय व्यवस्था पर फिलहाल यकीन नहीं है। उमर शहजाद साहब जो बात अभी फखर साहब कह रहे थे कि यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान ये जरूर कह रहे हैं कि डर है मुझे जेल में डाल देंगे, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, 10 साल तक मुझे जेल में रखने का प्लान है, मेरे बीवी को भी फंसाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच आप लोग आम आवाम की चर्चा करना शायद भूल जा रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं इनकी बात के पहले हिस्से से एग्री करूंगा फखर, और जैसे कि हैदर मेरे भाई यहां पे बता रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत हाल है कि उनको अपने इक्तदार को बचाने की, अपने करप्शन के केसेस को बचाने की और अपने जो उन्होंने आईन की खिलाफ वर्जी की है उस पे पर्दा डालने की पड़ी है। इस वक्त कोई भी जमात सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अवाम की बात नहीं करती। अब जहां तक तल्लक है अवाम की बात करने का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो इस वक्त तक लड़ाई है या जो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग है वो सिर्फ इस बात की, इस बयानिए की जंग है कि जब आईन कहता है, पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि जो असेंबली डिसॉल्व होती है उसके 90 रोज के बाद इलेक्शन होने चाहिए, और हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड कोई अपने खिलाफ करप्शन के केसेस खत्म करवाने की नहीं है, हमारी डिमांड कोई अपने खिलाफ किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन की नहीं है, हमारी डिमांड ये है कि जो आईन कह रहा है, जो दस्तूर कह रहा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो क्यों ना साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जहां पे आप 13 जमाते हैं एक चूचू का मरबा बना के बैठी हुई है हुकूमत में, वहां पे एक ही जमात साफ शफाफ तरीके से जिसको अवामी मैंडेट हासिल हो वो अवाम में आए, वो अवाम में आके बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। जो सुप्रीम कोर्ट आपको राहत दे रहा है उसी सुप्रीम कोर्ट पर तो आज चढ़ाई हो रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है कि कैसे गेट पर चढ़कर, गेट को खोलकर इतनी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं फजलुर रहमान के वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का गेट नहीं है, ये इस्लामाबाद रेड जोन के लिए गेट लगाए गए हैं और इसी मौजूदा हुकूमत में लगाए गए हैं, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का गेट नहीं है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट राहत देने की बात जहां तक है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही ना, बताना चाहूंगा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे हम एक्शन लेके हमारी हुकूमत को खत्म किया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन सोमोटो एक्शन लेके तो असेंबली में जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से करारदाद थी उसके खिलाफ एक्शन लिया था। हमने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पे नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से एक ही मौकफ है कि जो आईन कह रहा है कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व हुई, फिर जो हिंसा पाकिस्तान में हुई उस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि वो हिंसा किस वजह से हुई जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई थी। बहरहाल मैं आपके पास लौटूं, और भी मेहमान मेरे साथ हैं, मैं जरा उनसे भी जरा रिएक्शन ले लूं, पाकिस्तान के असल हालात क्या हैं, सियासत से अलग हटकर ये जरा मैं जान लूं। हमारे साथ रजा फैजल साहब हैं, उनके पास मैं चल लेती हूं। फैजल साहब,
पाकिस्तान में मेरा सवाल यही है कि हो क्या रहा है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद में सीजीआई के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है, संसद में कहा जा रहा है कि फांसी दे देनी चाहिए इमरान खान को, तो जो वो डर जता रहे हैं कि मुझे मारा जा सकता है, क्या ऐसी संभावनाएं हो रही है पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बुरी चीज हो रही है वो ये हो रही है कि मैं गाड़ियों, मेरे इर्द गिर्द सारी गाड़ियां और मैं फंस गया हूँ, पहली बात, और मैं स्टक हुआ हूँ। और मेरे ख्याल में इतनी तादाद में लोग सिर्फ इसी सूरत में आ सकते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन खुली छूट दे दे, जिसने आना है आ जाओ। उसकी वजह यह कि अपनी हुकूमत है, अपना राज है, जो मर्जी है जिसका दिल कर रहा है वो आके करे, कभी कोई दरवाजे तोड़ता है तो तोड़ता फिरे। सेक्शन 144 लगी हुई है जिसके तहत के कोई अनलॉफुल असेंबली, यानी कि नॉट मोर देन फोर पीपल, चार लोगों से ज्यादा कोई इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे आप जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, बिकॉज राज आपका है, और आप जितना मर्जी है आवाम को तंग कर लें, कहीं से भी लोग ले आए, कैसे कैसे भी ले आए, कोई भी झांसा दे के ले आए, बस लोग ले आए। और मेरे ख्याल में मदरसों के लोग इकट्ठे हो गए, फिर सारे इस तरह के जो लोग हैं उनको, जो के इनके दस्ते रास में आते हैं, जो के इनके हाथ के नीचे आते हैं, उनको ये इन्होंने यहाँ पे लेके आ गए। और मेरी नजर में ये जो सारे का सारा पुलिस ना देखने के, कोई मुझे पुलिस नजर नहीं आ रही, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, वो ये कि एक फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि वो फैसला किसी भी तरीके से ना आ सके। उसके तनाजुर में हमने देखा कि 2-3 महीने से बहुत ज्यादा रिफ्ट भी चलती रही, फिर कैंपेन्स चलाई गई, फिर यूट्यूब पे कैंपेन्स चलाई गई, फिर मीडिया के ऊपर, स्टेट टीवी के ऊपर कैंपेन चलाई गई चीफ जस्टिस के खिलाफ। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी भी ये ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरी नजर में दिस इज अटमोस्ट कह लें कि लॉलेसनेस, और ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनको ये नजर आता है कि बैलेट बॉक्स की तरफ अगर वो जाएंगे तो वो हार जाएंगे। हाँ, अगर रोड के ऊपर बंदे इकट्ठे करना, पाकिस्तान में रोड के ऊपर बंदे इकट्ठे करना आजकल किसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, खुसूसन अगर आप गवर्नमेंट में है, सो इट्स रियली इजी फॉर यू। हाँ, पहले जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि शायद पाकिस्तान में जो जॉबलेसनेस है वो बहुत ज्यादा हो गई इमरान के दौर में, उसके ऊपर बात नहीं करता था इमरान। मेरे ख्याल में इस दौर में जो जॉबलेसनेस हुई है, और साथ में इस दौर में जो इन्फ्लेशन हुई है, इस दौर में जो डॉलर का रेट बढ़ा है, आपने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप कह रहे हैं कि आवाम के पीछे छिपने की कोशिश की जा रही है और आवाम को सड़कों पर लाया जा रहा है। मैयद अली साहब, ये क्या इसी तरीके से इसे समझा जाए, ये दो लोगों के बीच का टकराव पाकिस्तान को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर देगा? एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ अगर अपनी ही सड़कों पर निकलकर अपने ही सिस्टम के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या हश्र होगा मुल्क का? मेरी आवाज आ रही है? पहले तो बताइए आप। जी जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, देखिए इस तरह है, अभी मेरे से पहले रजा साहब जो कर रहे थे कि जी बड़ी क्राउड आ गई और अपना राज है, इमरान खान ने 9 को पूरा मुल्क हॉस्टेज किया हुआ था, तो तब किसी को एहसास नहीं हुआ, राज नहीं था सर, राज था या नहीं था, उन्होंने मुल्क तो हॉस्टेज किया हुआ था ना, और उनका मुल्क हॉस्टेज करने की भी तो कोई वजह थी ना। मैं आपसे बात कर, मेरा नाम रजा नहीं, मेरा नाम राजा फैसल है, राजा फैसल साहब, आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल बजा है कि दो लोगों की इस वक्त बहुत खौफनाक किस्म की, मतलब दो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है, जिसमें एक फौज है और दूसरी तरफ अदलिया है। ये जो तोड़ फोड़ हो रहा है ये भी कोई बड़ा अच्छे मनाजिर नहीं है हमारे मुल्क के लिए, और जो 9 को हुआ था वो भी कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे। इनकी बात राजा साहब की से मैं अग्री करता हूँ कि उनको मालूम है कि अगर इलेक्शन अभी हो जाएंगे तो वो हार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। मगर मैं इस बात पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि इमरान खान ने तमाम हदें पार की हैं, और ये हदें उन्होंने जब 2014 था तब भी की थी, अब भी की हैं, और अब वो डर के प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो हमेशा प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जो कार्रवाई होती है, जो 9 तारीख को जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो भी उसमें कल्प्रिट आ जाएंगे सामने, और जाहिर है दूसरे केस में तो वैसे ही उनकी बेगम जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, जिसके लिए उन्होंने आज बेल ले लिया था 23 तारीख तक। मेरा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान ने ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, इसके दो लोग, मतलब दो इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं,
एक फौज और एक इमरान खान की पीटीआई, 2018 से पहले से शुरू हुए ये, आज तक इन्होंने बेड़ागर किया इस मुल्क का। अब ये जो आप देख रहे हैं तमाशा जो हो रहा है, ये वो तमाशा जो हमें शायद नहीं देखना चाहिए था। और मैं नहीं समझता कि ये पावर, स्ट्रीट पावर दिखाने से, ये सिविल वॉर, ये इंडिकेशन है कि आप सिविल वॉर करना चाह रहे हैं। आप प्रॉपरली इनके खिलाफ 9 तारीख का जो कुछ उन्होंने किया था उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, आपने लोगों को कर लिया आइडेंटिफाई, आप उनको पकड़ जकड़ भी कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा कुछ जो मैं देख रहा हूँ, ये करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि इस चीज की कतन कोई जरूरत नहीं थी, माफ कीजिएगा, इसकी कतन कोई जरूरत नहीं थी कि इतने लोगों को इकट्ठा करके और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की जाए। बंदयाल साहब मुझे मालूम है, उन्होंने हद कर दी हर कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क करने की, उन्होंने 63A1 का बेड़ा गर्क, आर्टिकल 63 पूरी उड़ा दी उन्होंने 2-3 जजमेंट के अंदर। इन्होंने उससे पहले राइट टू वोट शो ऑफ हैंड पे आया था, तब भी इन्होंने डंडी मारी थी। ठीक है, दो लोगों के बीच कि ये तमाम चीजें हैं जिससे पूरा का पूरा मुल्क जो है फिलहाल भुगत रहा है और परेशान हो रहा है, आवाम परेशान हो रही है। फखर साहब, पाकिस्तान के इस टाइम हालात देखकर ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि क्या कोई सिस्टम भी है पाकिस्तान में, क्योंकि एक तरफ सरकार है, सरकार में शामिल लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में इतने आमदा हो गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, रेड जोन का जो वो गेट है, जैसा कि अभी करेक्ट कर रहे थे उमर शहजाद साहब मुझे, इस पे चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, वहां तक पहुंच गए, उस एरिया तक पहुंच गए जहां से जजेस की एंट्री होती है। आप अंदर अपने संसद के ये कह रहे हैं कि फांसी हो जानी चाहिए इमरान खान को, आप ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उनको हटा देना चाहिए, उनके विरोध में आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो कोई सिस्टम है या नहीं? देखिए, इस वक्त तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ना होना कब शुरू हुआ? ये अब से शुरू नहीं हुआ, इसको स्टार्ट रखेंगे हम 2012 से। जनरल शुजा पाशा जिस वक्त DGISI थे, उसके बाद जनरल जहीर आते हैं, फिर जनरल फैज आते हैं, जनरल बाजवा आते हैं, इन सब लोगों के अपने अपने इन्होंने अपना हिस्सा डाला है। उसके बाद जस्टिस साकिब निसार साहब हैं जो बाबा रहमते के नाम से बड़े मशहूर हुए थे, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और अभी के उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक ही काम करे, वो फेवरेटिज्म की तरफ ना जाए, नवाज शरीफ गलती करे बिल्कुल सजा दे, फखर यूसुफ जई करे बिल्कुल सजा दे, इमरान खान करे उसको भी VIP प्रोटोकॉल ना दे, उनको भी सजा दे, तब जाके मुल्क सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ गलत किया लास्ट 75 इयर्स में, सीधा करना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर वो कहेंगे कि यार हम करेंगे और ये आपस में जुडिशरी लड़ेगी और पार्लियामेंट के लोग लड़ेंगे, नहीं, ये आवाम बीच में आई है और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, 25 मई को इमरान खान साहब ने 2022 में किया था जो कुछ किया था रिकॉर्ड पे है, 2014 में जो कुछ किया था रिकॉर्ड के ऊपर है, उसके बाद 9 मई को पूरे मुल्क को बंद करके और जो बेड़ा गर्क किया था मुल्क, वो सब रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं कहता हूं एहतजाज हर पार्टी का, कि हर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकती है, बिल्कुल करे, कोई ना रोके उसको, लेकिन ये जो तरीका कार है कि मैं आम आवाम की गाड़ियां जलाऊंगा, मैं आम आवाम को पकड़ के उनसे कहूंगा कलमा पढ़ो वरना नहीं जाने दूंगा, ये कौन सा तरीका है? मतलब ये बनाना रिपब्लिक आप लोगों ने और बना दिया जो बना हुआ था। ये चीजें जब तक सीधी नहीं होंगी और फेवरेटिज्म खत्म नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, जुडिशरी की तरफ से भी और पार्लियामेंट की तरफ से भी, तीनों इंस्टीट्यूशंस को एक साथ होना पड़ेगा कि हाँ यार, हमारा एस्टेब्लिशमेंट का काम ये नहीं है कि वो जाके हुकूमतें बनाए, वो हुकूमतें ना बनाए, अगर वो हुकूमतें बनाने में लगेंगे तो ये प्रोजेक्ट इमरान खान जो बोतल से जिन बाहर निकला है अब उनसे अंदर नहीं हो रहा, इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने टट्टू पाले हुए थे पिछली हुकूमत में जब इमरान खान साहब थे, मुख्तलिफ लोगों में, मीडिया में भी और हर जगह, वो लोग किधर है? वो आज लोग वही है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि कीचड़ उछाल रहे हैं, उनको गंदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? मेरे जैसे लोगों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बकवासें किया करते थे कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, किधर है वो लोग? सारे भागे हुए, कोई लंदन भागा हुआ है, कोई अमरीका भागा हुआ है, छुपते फिर रहे, क्यों? मैं क्यों नहीं भागा? उस वक्त इमरान खान की हुकूमत में भी बैठा हुआ था और आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को, इंक्लूडिंग मीडिया, मीडिया में टट्टू पालने की किसी को जरूरत नहीं है कि वो जाके किसी को XYZ को लिफाफे दे, पैसे दे, उनको कहे शाबाश मेरी वाहवाह करना शुरू कर दे। ये चीजें तीनों को खत्म करनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी सबको, तब जाके ये सही होगा, अदरवाइज मेरे ख्याल हमारे पास ठीक है, तब जाके आपके मुल्क के जो हालात हैं वो शायद सुधर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल स्थिति जो है वो बहुत खराब नजर आ रही है। सड़कों पर ही सिर्फ तमाम जो लड़ाइयां हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं और सड़कों पर ही फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं।
रिकी बस स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। तो पाकिस्तान में उपजे हालातों पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान में तमाम फैसले सड़कों पर ही होते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आवाम है, आवाम पिसती हुई नजर आ रही है और सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में नजर आ रहे हैं। उमर शहजाद साहब, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता है? इमरान खान के जो ट्वीट हैं या इमरान खान के जो बयान हैं वो तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि आप डरे हुए हैं और आप इस कदर डरे हुए हैं कि आप आवाम के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सड़कों पर लाकर उन्हें चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फ्रंट फुट पर ला रहे हैं। बिल्कुल जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आवाम को ढाल बना के कोई आगे आने की कोशिश की जा रही हो। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी गिरफ्तारी अहाता अदालत के अंदर से हुई तो उस वक्त एक अवामी रद्द अमल आया और उस अवामी रद्द अमल के नतीजे में जो कुछ शर पसंद अनासर थे, जो एंटी स्टेट और एंटी आर्मी या एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह सके, उन्होंने अपने मजमूम मकासद पूरे किए। वो उन सफों में घुस के और उन्होंने तोड़ फोड़ करके जलाओ गिराओ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उस वक्त भी इसकी सख्ती से मजम्मत की और हमारे चेयरमैन इमरान खान ने भी उसकी मजम्मत की और कोर्ट में भी एक चीज बड़ी क्लियर हुई कि जब इमरान खान अंदर थे उनकी तरफ से ना कोई ऑडियो मैसेज ना कोई वीडियो मैसेज दिया गया, तो ये बात कभी भी कैटेगोरिकली आप इसको नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा थी। जो आज की बात है, आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने सेक्शन 144 लगा के हुकूमत ने ही वो सेक्शन 144 लगाई और हुकूमत ने ही उस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करवाई और आज हुकूमती पार्टी शहबाज शरीफ साहब की भतीजी मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर वहां कंटेनर पे मरियम नवाज मौजूद है मौलाना फजल रहमान के साथ और वहां पे बयानिया क्या दिया जा रहा है कि हुकूमत के पीडीएम से मुज़ाकरात तय पा गए हैं। भाई पीडीएम का तो आप खुद हिस्सा हैं, खुद ही हुकूमत एहतजाज करवा रही है और खुद ही हुकूमत उस एहतजाज का हिस्सा बन रही है और खुद ही उस एहतजाज से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे फैसल राजा बता रहे थे कि इस्लामाबाद की सड़कों को आज बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है। आज जब इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन निकले तो उनपे वाटर कैनन भी बरसाया गया, उनपे शेलिंग भी की गई, आंसू गैस भी की गए, उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। इवन के वहां पे जो आरोप ये है ना कि आप सेना के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहे हैं, आप सेना के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अगर आप मेरी बात मुझे मुकम्मल कर लेने दें तो मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊंगा। बिल्कुल, मैं आपको मुकम्मल तरीके से ही सुन रही हूं, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि आप पर आरोप ये है कि आप सेना को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेना जिसके खिलाफ पाकिस्तान में आप शायद बोल नहीं सकते हैं। आज आप इस मुल्क में देखें कि आज आप इस मुल्क में जब आप अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं और आपकी मर्जी के फैसले नहीं दिए जाते या कुछ ऐसे फैसले जो कानून के तहत मतवक्को हों उन फैसलों पे असर अंदाज होने के लिए आप जत्थे के जत्थे लेके मसला जत्थे लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर स्टेज लगा के खड़े हो जाते हैं। सरकार के द्वारा पैदा किए हुए जो हालात हैं इमरान खान का या उनकी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हैदर हयात साहब, अब सवाल ये कि पाकिस्तान में कौन किससे लड़ रहा है, ये लड़ाई किसकी किससे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप सड़क पर हैं, आप अगर सरकार में हैं तो आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान खान चूंकि बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, प्लान लंदन बनाया जा रहा है, मुझे 10 साल जेल में डाला जा सकता है, मेरी बीवी को खदेड़ा जा सकता है, वो भी सड़क पर है, उनके समर्थक भी समर्थक में है, तो ये लड़ाई किसकी किससे है? देखिए, लड़ाई हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर उस शख्स की जो इक्तदार में आना चाहता है, जो ताकत में आना चाहता है, उसकी उससे है जो उसको अपने इस रास्ते के अंदर रुकावट नजर आ रही है। अभी जो पीटीए के हमारे दोस्त फरमा रहे थे वो तो वाकईतन यही रहा है। अजीब मामला है कि पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम की हुकूमत में पीडीएम एक धरना दे रही है और उस धरने के हवाले से पीडीएम के मिनिस्टर्स पीडीएम की लीडरशिप से कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको मनाते हैं कि आप अपनी जगह तब्दील कर लें धरने की, और पीडीएम की लीडरशिप पीडीएम के मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनती। और आज इस्लामाबाद के अंदर पीडीएम की हुकूमत पीडीएम के इस धरने को फुली जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। रही बात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब की सियासत को अगर जो शख्स करीब से जानते हैं, इमरान खान साहब की सियासत में ज्यादातर चीजें उनकी जात के गर्द घूमती हैं कि मेरी जात को नुकसान पहुंचे तो मुल्क में जो मर्जी हो जाए उससे उनको फर्क नहीं पड़ता और बाकी लोग जो है वो जाए भाड़ में। इमरान खान साहब बतौर एक बड़े पॉलिटिकल लीडर, उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। हमारे मुल्क में गुज़श्ता चंद दिनों में जो कुछ हुआ है
ये नहीं होना चाहिए था और इमरान खान साहब ने एक मरतबा भी उसको कंडेम करने की कोशिश नहीं की ना। तो पीटीआई का मामला ये है कि ना वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि आम लोग थे और ना ही वो इसके ऊपर कंडेम करने को उसको तैयार है कि जी अगर हमने नहीं किया तो इसकी हम मजम्मत कर दें। अब कुछ लीडर्स ने करना शुरू कर दी है लेकिन इमरान खान साहब इसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। यहां पर ये लड़ाइयां तब तक चलती रहेंगी जब तक एक प्रॉपर सिस्टम एक प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किया जाएगा उसके मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर ये फैसला नहीं कर लेंगी कि अब इस मुल्क के मामलात को इस प्रॉपर सिस्टम के तहत चलना है। पीटीआई का ये मुतालिबा बड़ा दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 रूस के अंदर अगर असेंबली डिसॉल्व होने तो 90 रूस में इंतखाबात करवाने हैं। हमारी हुकूमत इंतखाबात करवाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आइन की उन शिकों को जो है वो बना लेती है कि ये बड़ी मुकद्दस है जिससे उनको फायदा होता है लेकिन हर वो शिक जिससे उनको अपना सियासी नुकसान नजर आता है उसको वो कहते हैं कि ये इसको जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दो इस शिक की हमें जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगी मुल्क जिस मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा है चीजें अगर मुस्तकबिल करीब में स्टेबल ना हुई तो आम आदमी फिर बाहर निकलेगा और फिर वो नहीं देखेगा कि मेरे सामने कौन है। और जिस वक्त आम आदमी बाहर निकल आया फिर ना तो इमरान खान साहब को कहीं पर कोई जगह मिलेगी ना मौजूदा हुकूमत के अंदर जो 13-14 जमाते हैं इनकी लीडरशिप को कोई जगह मिलेगी और हो सकता है कि ये लोग ही हमें पाकिस्तान में ना मिले। तो ये इनको अभी भी वक्त है वक्त रहते इनको तमाम हालात को सामने रखते हुए आम आदमी यानी अपनी सियासत के चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद पाकिस्तान को जलाने की कोशिश की जा रही है। राजा फैसल साहब चूंकि आप पाकिस्तान में हैं आप ही मुझे बेहतर समझा पाएंगे। यहां बैठकर जो हमें तस्वीरें या हमें जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये कि इमरान खान को लेकर एक जो ये बातें एक तो इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें मारा जा सकता है इमरान खान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये पूरी तरीके से साजिश है। जो संसद के अंदर बयानबाजी हो रही है बहुत कुछ बड़ा इमरान खान ने कर दिया है कि अब सरकार को नागवार नहीं गुजरेगा। ऐसा क्या किया इमरान खान ने कि सरकार को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं वो और उनकी उनको फांसी देने की कामना की जा रही है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपने पहले क्वेश्चन किया था कि ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपने एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पाकिस्तान के माजी के साथ लड़ाई चल रही है। माजी क्या था? माजी ये था कि हुकूमत आती है पैसे बनाओ एवन फील्ड में जाके फ्लैट लो सरे महल लो दुबई में जाके फ्लैट लो वहां पे किराए आ रहे हैं आपके अयाशियां चल रही हैं आपकी सियासत भी इधर चल रही है दोबारा अगर आप पावर में आ जाते हो तो मजे करो अगर पावर में नहीं होते तो बाहर चले जाओ। ये कुछ चल रहा था पहले पाकिस्तान की सियासत में माजी की सियासत में। आज जो हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं वो ये है कि आज ऑब्वियसली 21वीं सदी के उस दहाई में हम लोग जिसमें के आईटी बहुत ज्यादा एक्सेल कर चुकी है यहाँ पे आईटी के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो आईटी एक्सपर्ट्स हैं और आईटी की तरफ ही आईटी को ही फील्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए जॉब्स ही नहीं है वो निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। उसकी वजह यह है कि कोई इनमें से भी कोई राजी नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को। तो सबकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनका अभी भी वो जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज है वही नैरेटिव है कि हम फौज को बुरा भला कह के दोबारा से वापस आ सकते हैं। यहाँ पे एक तो ट्रेंड बन गया है कि जिसने यहाँ मशहूर होना है या टेंटे खा बनने की कोशिश करनी है वो फौज के खिलाफ चार बातें करेगा और ये है कि अपने आप को बड़ा जमहूरी और बड़ा कह लेगा जी कि मैं बड़ा सेक्युलर और बड़ा जमहूरी हूँ। ये इस तरह की जो चवलें हैं वो किसी वक्त चल जाया करती थी लेकिन आजकल के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह की चवलें अब नहीं चलेंगी। अब सबको मिल बैठ के सोचने की जरूरत है कि आगे इस मुल्क को कैसे लेके जाया जा सकता है। हर एक चीज का जो हर एक प्रॉब्लम का जो आप ठहरा देते हैं कि शायद फौज इज बिहाइंड इट वो गलत है। उसकी वजह ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ पे या तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ताल्लुक होता है आवाम के साथ। 6 लाख फौज जो है या 5 लाख फौज जो है उसका इस तरफ कोई लिया दिया नहीं है वो अपने काम से काम रखती है उनके उनके लिए और बहुत से मसाइल हैं लेकिन जब उनको ये लगता है कि
पाकिस्तान में जो हालात बिगड़ते हैं उनसे जो असर है वो फौज के ऊपर भी पड़ता है और मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर भी पड़ता है। मौका परस्त जो राजनीति है वो पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की। मैया गली साहब, क्या ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, या फिर मैं सवाल को इस तरीके से आपके सामने रखूं कि अब आगे क्या होगा, ये जो हालात हैं किस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं? डिफाइनिंग मोमेंट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह राजा साहब फरमा रहे थे, मुस्तकबिल और हमारा जो पास्ट है उसमें एक हम एक जगह पर खड़े हुए हैं और हमने आगे देखना है। मगर मैं उनसे इस चीज़ पे इतफाक नहीं करता कि ये पॉलिटिशन ठीक है जो कह रहे हैं पॉलिटिशन ने गन मचाया है या सारा कुछ किया है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इसी तरह हुआ है और मेरा ख्याल है इमरान खान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और ना ही इमरान खान के सपोर्टर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी गेम है कि फौज जो अब अलहदा होना चाह रही है एक ख़ास चीज़ से, जो कि हो नहीं रही, वो मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि वो हो नहीं रही। सच ये है कि उनको एक जगह खड़ा होना पड़ रहा है। फौज और अदलिया आज तक काम करते रहे थे और पपेट्स को लाते और गिराते रहे थे, अब फौज और अदलिया आमने सामने आ गए हैं और एक इतना पॉपुलर लीडर सामने आ गया जो शायद फौज ने भुट्टो के बाद या बेनज़ीर के बाद पहली दफ़ा देखा है, जिसने आवाम को मोबालाइज कर दिया है। मेरी नज़र में फ़ौज को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, मैं अग्री करता हूँ, मगर फौज ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर इस वक्त फौज पीछे हट जाएगी तो इस मुल्क को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा खौफ कुछ और है, मेरा खौफ अदलिया का भी नहीं है, क्योंकि ये भी ड्रामेबाजियाँ करते रहे पास्ट में, ये सारे अपने अपने उसमें इंटरेस्ट के अंदर अपने फैसले करते रहे हैं। इन्होंने किसका कौन सा फैसला इन्होंने अच्छा किया है, नज़रिया ज़रूरत इन्होंने निकाला, भुट्टो को इन्होंने हैंग किया, बाकी लीडर्स के खिलाफ इन्होंने फैसले किए, जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती थी फौज इनको इस्तेमाल करती थी। अब फ़र्क ये है कि बंदियाल साहब के सामने खड़े हुए हैं चीफ, अब वो मैं तो हैरान हूँ इतना क्यों लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अंदर कोई जंग है बीच में सिस्टम के कहीं जो उनको सपोर्ट दे रही है, जिसको काउंटर करने के लिए आज मनाजिर में देख रहा हूँ कि चीफ को अगर कहने, मुझे डर ये आ रहा है कि अगर फौज पीछे हटती है तो और इनको खुला छोड़ देती है तो ये तो घर घर में लड़ाई हो जाएगी। जितनी दुश्मनी आपस में फैल गई है, जितनी नफरत है, और इमरान खान इसमें ठीक नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको ये फ्रेंजी और ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। जब कुछ होगा तब देखेंगे, जब कोई कोशिश करेगा तब देखेंगे। ये अंदर गए उससे पहले सारा प्लान करके गए थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो तुमने क्या करना है, आज कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। और भाई सारा कुछ आप तैयार करके गए थे, एक एक को फीड करके गए थे, आपने फौज के खिलाफ खड़ा किया, आज भी इन्होंने मिसाल दी ईस्ट पाकिस्तान की। भाई क्यों आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं ऐसे पैरेलल जो इस मुल्क को बड़ी खतरनाक स्टेज पे ले जाएं? मुझे डर सिर्फ जो मेरा खौफ है वो ये कि अगर फौज न्यूट्रलाइज हो गई समाओ, अगर हो गई न्यूट्रलाइज होने का मतलब न्यूट्रल नहीं है, यानी कि काबू पा लिया गया और इमरान खान अगर जीत गए तो मैं 6 लाख लोगों का एक इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज है उससे पहले ही डरता था, अब मैं एक बंदे से डरूंगा जिसके नीचे पता नहीं कितने लाख मुशंदर हैं जिनको जब वो इशारा करता है वो बंदरों की तरह हमला कर देते हैं हर तरफ और बेड़ा गर्क कर देते, मुझे तो नहीं पता मेरी बचत कहाँ होगी। मैं तो नहीं चाहता कि इमरान खान साहब जो है वो फौज पे काबू पा ले और मेरा सत्यानाश। या एक और रिमार्क में देख रही हूँ, एक और रिमार्क जो किया जा रहा है कि अब मौजूदा सरकार के मंत्री अगर न्यायपालिका को कहें कि सियासी हो गई है न्यायपालिका, मुझे तो ध्यान नहीं आता कि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरीके के बयान कहीं दिए भी जा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के आप फैसलों से असंतुष्ट हो सकते हैं लेकिन सियासी होने का अगर आप आरोप लगा दें तो ये तो वही बात हो गई कि आप खुद ब खुद अपने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे। इमरान खान साहब की जो बात है ना, वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रिवाइव करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उसको बैक करना है, ना सिविल जो सुप्रीमेसी होती है, सिविलियन सुप्रीमेसी होती है, न उसकी जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान सिर्फ अपनी जात की जंग लड़ रहे हैं और मेरे ख्याल में इस बारे में अगर पीडीएम कोई बात करती है या दूसरी पोलिटिकल पार्टीज कोई बात करती है तो वो गलत नहीं है। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है,
एक बड़े पॉपुलर लीडर थे, रहे, सपोर्ट भी मिली, हर तरह की सपोर्ट मिली, मीडिया की, एस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की। मेरे ख्याल में ऐसी सपोर्ट शायद ही किसी, मेरे से सीनियर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बता सकते हैं कि ऐसी सपोर्ट शायद ही किसी को मिली हो, लेकिन डिलीवर क्यों नहीं कर सके, उसकी वजह क्या थी, क्या 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 रीजंस थे उसके पीछे जिसकी वजह से वो स्टक रहे। उसकी वजह ये थी कि वो ये चाहते थे कि यार मैं कभी DGISI फैज़ हमीद लगाऊं, कभी आर्मी चीफ में अपनी मर्जी का ये लगाऊं वो लगाऊं, क्योंकि मुझे अपनी जो हुकूमत है उसको प्रोलॉन्ग करना है। आपने बात की जुडिशरी के फैसलों के हवाले से, मैं कहता हूं बिल्कुल जुडिशरी हमारी है इस वक्त 130th नंबर पे, 130वां नंबर है हमारी जुडिशरी का। इसके पीछे आखिर कोई तो वजह होगी ना, अगर फैसले हमारे, मैं कहता हूँ स्पीडी जस्टिस जिस तरह का इमरान खान साहब को मिलता है, ये स्पीडी जस्टिस एक आम पाकिस्तानी, यानी मैं अपनी बात करूंगा, मुझे भी मिलना शुरू हो जाए तो मैं कहता हूँ कि फिर तो पाकिस्तान जैसा मुल्क शायद ही दुनिया के अंदर कोई हो जहां पे मैं कहता हूँ टॉप 10 के अंदर पाकिस्तान का नाम आ जाएगा स्पीडी जस्टिस में। सालों साल लोगों के केस नहीं निकलते, लेकिन इमरान खान साहब के लिए सब कुछ पॉसिबल है, उनको बड़े मतलब जिसे कहते हैं VIP प्रोटोकॉल, बड़ी वाहवा क्यों होता है। आप वहां पे अगर वो गए हैं, एक और पाकिस्तानी अगर वहां से इंसाफ मांगने के लिए जाता है तो फिर तो वो प्रोटोकॉल उसको भी मिलना चाहिए। यानी सवाल हर तरफ है, सवाल हर तरफ है। मैं फखर जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो गया है, समय की सीमा बस यहीं तक थी, लेकिन ये फिलहाल बात ये है कि पाकिस्तान में हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। सवाल सरकार को लेकर भी है कि सरकार क्यों प्रदर्शन पर आमदा हो गई है, सरकार इमरान खान को, सवाल इमरान खान को लेकर भी है, सवाल न्यायपालिका को भी लेकर भी है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।